में आप सारे भाई बहनों का, आप सारे ब्रदर एंड सिस्टर का स्वागत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आज के सुंदर समय में, आज की सुंदर शाम में आप सारे भाई बहनों का स्वागत है। आज परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सारे ब्रदर एंड सिस्टर का स्वागत है। यदि आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई भाई, आपके कोई रिश्तेदार, रिलेशन वाले नहीं आए, तो आज के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक में, अपने टाइमलाइन में, अपने व्हाट्सअप पर, अपने ग्रुप में। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज जीसस शालोम मिनिस्ट्री में आप सारे भाई बहनों का, सारे ब्रदर एंड सिस्टर का स्वागत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंदा बला बरा बला बरा बला बरा, शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। शंदा बला बरा बला बरा बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंद बला 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 बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंद बला 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 बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। शंदा बला 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 बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंदा बला 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 बला। हालेलुया हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज मंडे ऑनलाइन सर्विस में आप सारे भाई बहनों का, आप सारे ब्रदर एंड सिस्टर का स्वागत है। हालेलुया, अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को रेडी करें। धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करें आज की शाम के लिए। हालेलुया, उशंदरी खाले लिलिया बला बरा बला बरा बला बरा, शंदरी खाले लिलिया बला बरा बला बरा बला बरा बला। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा। धन्यवाद करें, अपने परिवार को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपने घर को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपनी हर एक व्यवसाय को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। आज पवित्र आत्मा जी आपको हील करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा, वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपको फ्री करेगा। चाहे समस्या कैसी भी क्यों नहीं हो, चाहे निराशा में क्यों नहीं हो, चाहे सुनसान में क्यों नहीं हो, चाहे आपकी लाइफ बेकार हो चुकी है, पवित्र आत्मा जी आपकी लाइफ को बनाएगा। हालेलुया, आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी को पवित्र आत्मा जी फिर से बनाएगा। अपने आप को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने जॉब को, अपने किचन को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने मन को, अपने विचारों को, हर एक एक चीजों को आज पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे और धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। ओ कहिए वेलकम होली स्पिरिट, कहिए वेलकम होली स्पिरिट, कहिए वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा, आज आप मेरे जीवन में आइए, आज आप मेरे परिवार में आइए। पवित्र आत्मा जी आप मुझे हील करें, पवित्र आत्मा जी आप मुझे डिलीवर करें, पवित्र आत्मा जी आज मुझे आजाद करें, पवित्र आत्मा जी हर एक बंधनों से आजाद करे, हर एक चीजों से मुझे आजाद करे, हर एक नशों से पवित्र आत्मा जी आप मुझे आजाद करे, हर एक व्यभिचार से मुझे आजाद करे। आज मैं फ्री होके जाऊंगी, पवित्र आत्मा जी आप मुझे फ्री करे, पवित्र आत्मा जी आप मुझे डिलीवर करे, पवित्र आत्मा जी आप मुझे आजाद करे। आज आप फ्री होंगे, आज आप आजाद होंगे, आज आप पहले जैसे नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करे अपने घर में और कहिए वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जॉब में आइए। मुंह खोल के अंगीकार करे, मुंह खोल के अंगीकार करे कि पवित्र आत्मा जी आज आप मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा जी आज आप मेरे परिवार में आइए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे जॉब में आइए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे बच्चे के जीवन में आइए। जब आप ऐसा बोलेंगे, पवित्र आत्मा जी कार्य करना स्टार्ट करेगा। जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट करेंगे, पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप ऐसा बोलेंगे, आपके हस्बैंड के लाइफ में पवित्र आत्मा जी कार्य करेगा। जब ऐसा बोलेंगे, आपकी वाइफ की लाइफ में पवित्र आत्मा जी कार्य करेगा। जब ऐसा बोलेंगे, आपकी कॉलोनी में पवित्र आत्मा जी कार्य करेगा। बोलना स्टार्ट करिए वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट,
स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। शैतानिक हर एक बंधन, डेविल की हर एक प्लानिंग, शैतान के हर एक बंधन मेरे जीवन से टूट जाए, मेरे जीवन से टूट जाए। पवित्र आत्मा जी आप उसको तोड़ दीजिए, पवित्र आत्मा जी आप उसको तोड़ दीजिए, पवित्र आत्मा जी आप उसको तोड़ दीजिए। आज पवित्र आत्मा हर एक बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। वो कैसे भी बंधन क्यों नहीं हो, वो प्राण बंधन क्यों नहीं हो, वो तोड़ रहे। वो बीमारी का बंधन क्यों नहीं हो, वो टूट रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंदा बला 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 शंदरी खाले लिया। अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। अपने प्रेयर लाइफ को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। यदि आपके बच्चे नहीं सुन रहे, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा। यदि आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहा, अपने हस्बैंड को पवित्र आत्मा। अपने घर के पूरे माहौल को आज पवित्र आत्मा, अपने गेट को पवित्र आत्मा जी, हर एक एक चीजों को आज पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। अपने हाथ में ना ले पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा जी आपके घर में काम करेगा, आज पवित्र आत्मा जी आपके जॉब में काम करेगा। आप बस में जाते जाते देख रही, आप कार में जाते जाते देख रही, आते आते देख रही, आप किचन से देख रही, कहीं से भी क्यों नहीं देख रही है, पवित्र आत्मा जी आज आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा जी आज आपको फ्री कर रहा है। यस माय लॉर्ड, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। आइए हम कुछ देर वर्शिप करेंगे, आइए हम कुछ आराधना करेंगे। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें और कहिए वेलकम होली स्पिरिट, कहिए वेलकम होली स्पिरिट, कहिए स्वागत पवित्र आत्मा। आज आपके होठों में आपका पहरा नहीं रहेगा पवित्र आत्मा का, आज आप सेम नहीं जाएंगे यहाँ से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यस माय लॉर्ड, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा। शंदा बला 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 शंदरी खाले लिलिया बला 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 से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। महिमा से तेरे सामर्थ से, थैंक यू लॉर्ड, तेरे से, थैंक यू लॉर्ड, अभिषेक कर दे। बोलिए फिर से, तू आग बरसा दे मेरे घरों में, मेरे परिवारों में, मेरे जीवनों में। यस माय लॉर्ड, शंदा बला 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 शंदरी खा ले लिया बला बला शंदरी खा ले लिया शंदा बला 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 शंदा बला 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 बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बला 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 शंदा बला बला शंदा बला 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 बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस माय लॉर्ड, वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। कहिए वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बला 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 बला
उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू दे। उस हवा को छू ले, हर एक दिल से तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा आ, 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 पवित्र आत्मा। आँखें को बंद करो, सभी लोग अपने आँखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को रेडी करें और कहिए वेलकम होली स्पिरिट, कहिए वेलकम होली स्पिरिट, कहिए स्वागत पवित्र आत्मा, आज आप मेरे जीवन में आइए, आज आप मेरे जीवन में कब्जा करिए, आज आप मेरे जीवन को पाक रूप से भर दीजिए, आज आप मेरे जीवन को अभिषेक से भर दीजिए, आज आप मेरे जीवन को सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण ले, मेरी सोचों पर आप नियंत्रण ले, मेरे विचारों पर आप नियंत्रण ले, मेरे बोलने पे आप नियंत्रण ले, मेरे देखने पे आप नियंत्रण ले, मेरे महसूस करने पे आप नियंत्रण ले, मेरे चलने पे आप नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण ले, आज आप कब्जा कर, आज आप मेरे घर पे कब्जा कर, आज आप मेरे गरीबा परिवार पे कब्जा कर, आज आप मेरे फाइनेंस पे कब्जा कर, आज आप मेरे जॉब पे कब्जा कर। पवित्र आत्मा जी आप मेरे फाइनेंस पे कब्जा करिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे फाइनेंस पे कब्जा करिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे बच्चों के जीवन में कब्जा करिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे व्यवसाय में कब्जा करिए, पवित्र आत्मा जी मेरे आने जाने में आप कब्जा करिए। पवित्र आत्मा जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, बोलिए पवित्र आत्मा जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, आज आप मुझे हील करिए, आज आप मुझे डिलीवर करें, आज आप मुझे हर एक समस्या से बाहर निकालिए, आज आप मुझे हर एक विपरीत कंडीशन से बाहर निकालिए, आज आप मुझे हर एक समस्या से, हर एक निराशाओं से दूर करिए। पवित्र आत्मा जी आप मेरे टेंशन को दूर करें, पवित्र आत्मा जी आप मेरे निराशा को दूर करें, पवित्र आत्मा जी मेरे डिप्रेशन को दूर करें, पवित्र आत्मा जी आज आप मेरे मन की आंखें को और ज्योतिमय कर, ताकि मैं आपके वचनों को जान सकूं, ताकि मैं आपको समझ सकूं, मैं वचन को समझ सकूं, मैं प्रार्थनाओं को समझ सकूं, मैं गहरे प्रकाशनों को समझ सकूं, ताकि आपका, ताकि आज आपका वचन मुझे आजाद करे, ताकि आज आपका वचन मुझे फ्री करे, ताकि आज आपका वचन मेरे घर के रिवाइवल को लाए, मेरे घरों में रिवाइवल को लाए, बेदारी को लाए। आज पवित्र आत्मा जी मैं यहां से सेम लौट के ना जाऊं, मैं आज भूखी लौट के ना जाऊं, मैं प्यासी ना जाऊं, पिता परमेश्वर आज यहां से मैं भर के जाऊं, आज यहां से मैं तृप्त होके जाऊं। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, हिरनी नदी के लिए हाँफती रहती है, पवित्र आत्मा जी आज मैं तेरे वचन के लिए हाँफने पाऊं। पवित्र आत्मा जी तू मेरे अंदर गहरी प्यास को उत्पन्न कर, पवित्र आत्मा जी तू मेरे अंदर गहरी प्यास को उत्पन्न कर, और वो डिलीवर होने लगे, वो डिलीवर होने लगे। आज मैं सेम लौट के यहां पे ना जाऊं, आज मैं यहां से सेम लौट के ना जाऊं, पिता परमेश्वर आज कोई भी व्यक्ति यहां से सेम ना जाने पाए। पिता परमेश्वर इफिसो 1:18 को मैं इनकी लाइफ में, इनके परिवारों में क्लेम करती हूं, पिता परमेश्वर
बुद्धि का आत्मा इनके ऊपर रिलीज करती हूँ, बुद्धि ज्ञान प्रकाशन का आत्मा को मैं रिलीज करती हूँ। शैतानिक हर एक प्लान के ऊपर हम फायर को भेजते हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर पे आप नियंत्रण लें, इनके हाथों पे आप नियंत्रण लें, इनके बोलने पे आप नियंत्रण लें, इनके चलने पे आप नियंत्रण लें। पवित्र आत्मा इनकी गवाही पवित्र आत्मा वाली गवाही है, इनका बोलना पवित्र आत्मा की ओर से, इनका चलना पवित्र आत्मा, इनका देखना पवित्र आत्मा, इनका सुनना पवित्र आत्मा, इनके लिए प्रार्थना करना पवित्र आत्मा की ओर से। पवित्र आत्मा जी आज आप इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए ताकि आज ये डिलीवर हो जाए, आज से इनकी मन की आँखें और ज्योतिमय, ये आपके गहरे प्रकाशनों को, ये आज आपके गहरे रेवोल्यूशन को जान पाए, ताकि ये लोग जान लें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है। आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है, आप जिंदा परमेश्वर है। यस मेरे प्यारे परमेश्वर, आज आप एक एक व्यक्ति को हील करें, आज आप एक एक व्यक्ति को डिलीवर करें। कोई भी यहां सेम लौटने ना पाए, कोई भी गरीब आया गरीब ना जाए, कोई भी दुख में आया दुख में ना जाए, कोई भी जैसे है वैसे टेंशन को लेके आया है, निराशा को लेके आया है, वो ना जाए। पवित्र आत्मा आपका आत्मा लोगों को छुए, आज आपका आत्मा लोगों को छुए, आज आपका आत्मा लोगों को बदल दे पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा इनके परिवार को बदल दे। इनके परिवार के ऊपर से हर एक लड़ाई झगड़े के कर्सेस को मैं ब्रेक करती हूँ, हर एक लड़ाई झगड़े के कर्सेस को ब्रेक करती हूँ, हर एक श्राप को मैं तोड़ती हूँ, हर एक कर्स को मैं ब्रेक करती हूँ, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र को मैं नष्ट करती हूँ, और शैतानिक वेदियों के ऊपर मैं फायर भेजती हूँ, अंधकार की शक्ति के ऊपर मैं फायर भेजती हूँ, झगड़े के ऊपर मैं फायर भेजती हूँ, विरोधी आत्मा के ऊपर मैं फायर भेजती हूँ, शैतान की प्लानिंग के ऊपर फायर भेजती हूँ, गड़बड़ी के स्पिरिट के ऊपर फायर भेजती हूँ। यस माय लॉर्ड, एक एक व्यक्ति को मैं हील करती हूँ, एक एक व्यक्ति को ब्लेस करती हूँ। आज यीशु मसीह नासिक ना से ये सारे लोग अपनी गवाहियों को लेके जाए, अपनी चंगाइयों को लेके जाए, अपनी हर एक चीजों को बरकतों को लेके जाए, अपने मिरेकल को लेके जाए। आज कोई भी कंगाली में ना लौटने पाए, कोई भी गरीब ना लौटने पाए। पिता परमेश्वर तू सारे लोगों को आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ लौटने पाए, जैसे यीशु मसीह आप आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटे थे, आज ये आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ एक देश में पहुंचने पाए, एक देश में लौट ने पाए, जो देश तूने इनके लिए रखा है, जो कार्य तूने इनके लिए रखा है, जो चीज आपने इनके लिए रखी है, ये वहां पहुंचने पाए। आप इनका मार्गदर्शन करें पवित्र आत्मा जी, और जहां जहां आपका सुसमाचार ना पहुंचाए, आज का वचन सारे जगह में, सारे परिवारों में, सारे लोगों में पहुंचने पाए। हर एक विरोधी लोगों का, हर एक विरोधी बातों का हम खंडन करते, यहां की हर एक बातों को, यहां की हर एक कॉलोनी को पवित्र आत्मा जी के हाथ में, और जिस भी बहन, जो भी बहन जहां से भी ऑनलाइन देख रही है, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके फैमिली को, उनकी कॉलोनी को, उनकी जगह को, उनके शहर को, उनके व्यवसाय को, सारी चीजों को हम पवित्र आत्मा जी आज आपके हाथ में देते। आज आप लोगों को डिलीवर करें, आज आप लोगों को आजाद करें इस वचन से। आज जो वचन पिता परमेश्वर तेरी दासी होने के नाते मैं बोना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने दिया है पिता, ये वचन लोगों की जिंदगी में हजार गुना फल है। ये वचन के द्वारा केवल केवल महिमा आपको मिलने पाए, केवल और केवल आपको महिमा, केवल और केवल मैं आपका प्रेजेंटेशन देने पाऊँ पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को शून्य बनाती हूँ पिता परमेश्वर, मैं छोटी बनती जाऊँ और ये परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, इस वचन के द्वारा, इस बस बातों के द्वारा केवल और केवल आपको महिमा। हम जो भी कुछ करें पिता परमेश्वर, यीशु आपके नाम से करें, हम जहां भी जाए आपके नाम से, हम जब भी बोले आपके नाम से बोले। एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को, इंटरनेट को, लैपटॉप को, हर एक लोगों को पवित्र आत्मा जी आपके, और जिनके पास इंटरनेट ही इंटरनेट आने लगे पिता, जिनके घर में लाइट नहीं लाइट आने लगे, आप उपलब्ध कर, आप प्रबंध करें पवित्र आत्मा जी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, और मैं स्वर्गदूत को बोलती हूँ जिनके पास लाइट नहीं लाइट को रिलीज करे, जिनके पास इंटरनेट को रिलीज करे पिता परमेश्वर। हर एक बहाने की स्पिरिट को मैं सारे भाई बहनों के जीवन से, हर एक परिवार के ऊपर से मैं तोड़ती हूँ पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जी इनको हील करे, आज इनकी मन की आंखें ज्योतिमय हो पिता, आज आपके वचन को जान सके, आज का वचन इन्हें आजाद करे, सेम ना लौटने पाए। ये हीलिंग में पिता परमेश्वर हीलिंग होने लगे, इनके घर में हीलिंग का आत्मा फैलने लगे, चंगाई का आत्मा फैलने लगे, दर्शनों का आत्मा फैलने लगे। बहुत सारी बहनें अन्य भाषा में बातें कर रही है, बहुत सारी बहनों के पर अन्य भाषा आ रहा है, बहुत सारी बहनें आत्मा से भर रही है, बहुत सारी भाइयों आत्मा और सामर्थ्य से भर रहे, अपने राज्य को हिला रहे, अपने घर को हिला रहे, हर एक बंधन टूट रहा है। आज सारे लोगों के अंदर छुटकारा हो रहा है, चंगाई हो रही है, अश्योरी, ये सारी चीजों को मैं रिलीज करती हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज सारे लोग फ्री हो रहे, आज सारे लोग फ्री हो रहे, इनके घर में कुछ निकल के जा रहे, शैतान की विद्या टूट रही है, शैतान की विद्या जा रही है। यस माय लॉर्ड, एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को, हम अपने आप इस कॉलोनी को पिता परमेश्वर
आपके हाथ में, और इस वचन से आपको महिमा मिलने पाए, हम घटते जाए आप बढ़ते जाए, सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर को ब्लेस करे। यदि आपके पास बाइबल है आप बाइबल को निकाल सकते हैं, और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आज आपको आज़ाद करेगा, ये वचन आज आपको फ्री करेगा। चाहे आप नए आए हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्रेयर में करूँगी, लेकिन आप लोगों को पूरा वचन सुनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें डिलीवर करता है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें चंगाई देता है, और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आज़ाद करता है, परमेश्वर का वचन ही वो हमें फ्री करता है। हालेलुया। सभी लोग मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमने कई बार ये वचन सुना होगा, इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ नई बातों के विषय में बताना चाहती हूँ। आज हमारी लाइफ भी इसी तरीके से हो गई है। यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात बोली थी, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 और वर्सेस 1। वहाँ पे क्या लिखा है और किस प्रकार से लिखा है, पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड, जहाँ पे कुछ नहीं था, जब परमेश्वर ही अकेला था, तो परमेश्वर ने क्या कहा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी को बनाया, केवल और केवल संसार में परमेश्वर था और कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो परमेश्वर ने सोचा कि यहाँ सुनसान जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तब परमेश्वर ने क्या कहा, क्रिएट किया। परमेश्वर ने क्या कहा, बनाया। हालेलुया। तो यहाँ पे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी, सृष्टि की, उन्हें बनाया है। हालेलुया। किसने किया ये काम, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। आज हमें भी लग रहा है हमारे घर में कोई चीज़ नहीं बन रही, हमें भी क्या करना है, हमें भी आज बनाना है। आज हमें बनाने की ज़रूरत है, आज हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड, किसने क्रिएट किया, किसने बनाई सृष्टि, किसने बनाई आकाश, किसने बनाई, आदि में परमेश्वर ने आकाश भी बनाई और पृथ्वी की, आकाश और पृथ्वी की क्या करी, सृष्टि की, उसने बनाया। आगे पृथ्वी बेडोल, पृथ्वी कैसी पड़ी हुई थी, पृथ्वी बेडोल पड़ी हुई थी, पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब कुछ नहीं था, जब परमेश्वर ने इनको बनाया, जब परमेश्वर ने इनको बनाया, तब क्या हुआ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी दोनों की सृष्टि की, दोनों को बनाया। इन द बिगनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड। हालेलुया। किसको बनाया, हालेलुया। हम सोचेंगे स्वर्ग को बनाया, हालेलुया। यहाँ पे जब लिखा हुआ है इंग्लिश में पढ़ेंगे इन द बिगनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, किसको बनाया, स्वर्गों को बनाया, हालेलुया। स्वर्ग बनाया परमेश्वर ने, हालेलुया। बहुत तरह की चीजें बनाई परमेश्वर ने, यहाँ पे कुछ भी किसी मनुष्य ने किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, केवल और केवल परमेश्वर ने बनाया। यदि आप कोई बड़ी सी बड़ी जमीन देखते, बड़े से बड़े शहर देखते, ये सारी जो चीजें हैं केवल और केवल परमेश्वर ने बनाई। पहले कुछ भी नहीं था, पहले सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उन्हें बनाया। और फिर क्या हुआ, जब बनाया, जब चेक करा कि हाँ ये अच्छा है, बना दिया, फिर क्या हुआ, पृथ्वी कैसी पड़ी हुई थी, फिर जब बनाया उसके बाद पृथ्वी कैसी थी, पढ़िए सेकंड क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका एक उसका दो, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी, पृथ्वी कैसी पड़ी हुई थी, बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। पृथ्वी कैसी थी, बेडोल थी और सुनसान पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। आज हमारी लाइफ भी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन डाल के प्रार्थना करके उस बेडोलपन को बनाना है, उस बेडोलपन को हटाना है। आज हम बोलते हैं हमारी लाइफ में बहुत सूनापन है, आज हमारी लाइफ में बहुत बेडोलपन है। यहाँ पे क्या लिखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। लेकिन कैसे पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और ये पृथ्वी जब बेडोल पड़ी थी कुछ भी नहीं था,
सुनसान पड़ी थी। हम बोलते इस गली से मत जाओ, क्यों? इस गली से कोई आता जाता नहीं है, ये गली सुनसान है। उस जगह से मत जाओ, क्यों? क्यों उस जगह से आपकी मम्मी आपके पापा आपको मना कर रहे जाने के लिए? इसलिए मना कर रहे कि वो जो जगह है, वो जो कॉलोनी है, वो जो शहर है, वो सुनसान पड़ी है, वो बेडोल पड़ी है। उधर कोई आता जाता नहीं, उधर कोई रचना नहीं है, उधर कोई क्रिएटेड नहीं है, उधर कोई घर नहीं बना है, उधर कोई परिवार नहीं रहता है। तो वो जगह क्या है? बेडोल और सुनसान है, वहाँ पे कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। कैसी पड़ी थी? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। जब हमारी लाइफ बेडोल और सुनसान पड़ी थी तो एक व्यक्ति हमारी लाइफ में आता है, एक चीज हमारी लाइफ में होती है, वो है पवित्र आत्मा, वो है होली स्पिरिट। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा जी आपके लाइफ में आते हैं, जब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ बेडोल नहीं रहेगी, आपकी लाइफ सुनसान नहीं रहेगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आया, पवित्र आत्मा आपको हील करा, पवित्र आत्मा आपको डिलीवर करा। पहले बीमारी में थी, आपकी लाइफ सुनसान पड़ी हुई है। हालेलुया। बीमारी में आपकी लाइफ क्या है? सुनसान। आप बीमार 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 बीमार, कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हम बनाने की कोशिश कर रहे लेकिन बिगड़ रहा। हम चंगाई पाने की कोशिश कर रहे और बीमारी बढ़ती जा रही है, और बीमारी बढ़ती जा रही है, और कमजोरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी कैसी पड़ी थी? बेडोल पड़ी थी और सुनसान पड़ी थी। पहले यहाँ पे हम देखेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी? रचना करी, उनको बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले ये किया। सेकंड, यहाँ पे जब देखा पृथ्वी कैसी पड़ी हुई है, बेडोल पड़ी है, फिर क्या पड़ी? सुनसान। पृथ्वी बेडोल भी और सुनसान भी, कुछ भी नहीं, कोई हरी घास नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई भी चीज़ तरीके से नहीं है, और बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। केवल परमेश्वर और ये सारी चीज़ें थी परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो जब पृथ्वी बेडोल थी, परमेश्वर भागा नहीं। जब पृथ्वी सुनसान थी, परमेश्वर भागा नहीं। हालेलुया। लेकिन एक बात का क्रिएट हुआ, एक बात की रचना हुई। आज हमारी लाइफ में जब बेडोल पना है, हमारी लाइफ में जब सुनसान पना है, हमें किसको आमंत्रित करना है? हमें पवित्र आत्मा को। यदि आपको पवित्र आत्मा के विषय में पता है, यदि आपको होली स्पिरिट के विषय में पता है, यदि आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता है, तो आपको क्या करना है? आपको काम करना है। आपको क्या करना है? आपको काम करना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब यहाँ पे पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, हालेलुया, यहाँ पे पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, जब जहाँ पे बेडोल और सुनसान पड़ी हुई चीज़ों को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, वहीं भी बढ़ाना चाहता है। अब अब्राहम के जीवन को देखो, अब्राहम कैसी जगह गया था? जब लूत और अब्राहम की चरवाहों में झगड़ा हो रहा था, तो लूत और अब्राहम अलग अलग गए। उन्होंने ऐसा बोला कि हम दोनों भाई भाई हैं और इन लोगों की वजह से हम लोग झगड़ना नहीं चाहते। आइए हम उस चैप्टर पे मेडिटेट करेंगे। उत्पत्ति उसका 13, उत्पत्ति उसका 13 निकालिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जब यहाँ पे हम देखेंगे, वो दोनों चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया था और वो दोनों अलग हो गए। उसने बोला यदि तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊँगा, और अब्राहम और लूत क्या हो गए? अलग हो गए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। 10 पढ़िए, 10 से। तब लूत ने आग उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। वहाँ पे कौन सी वाली तराई को? उपजाऊ। यहाँ पे बहुत अच्छे घर बने हुए, यहाँ पे बहुत अच्छे परिवार हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत चहल पहल है। लूत ने इस प्रकार से देखा था। हालेलुया। क्योंकि लूत और अब्राहम की जो चरवाहे, उनमें झगड़े हो गए थे, उनमें प्रॉब्लम हो गई थी, और वो दोनों नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से हम दोनों भाई भाई है, हमारी रिश्तेदारी में कोई ख़राब आए, हमारे मन में कोई फूट होए। इसलिए अब्राहम ने बोला तू इधर जाएगा तो मैं उधर जाऊँगा, तू दाहिनी जाएगा तो मैं बाई जाऊँगा, तू बाई जाएगा तो मैं दाहिनी जाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको इसके विषय में एक बात बताना चाहती हूँ। तब लूत ने आँख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली तराई को देखा। हाँ पढ़िए। वह सब सींची हुई है। सब सींची हुई है। आज हम भी
ऐसी ही जगह जाना, हम सुनसान जगह नहीं जाना चाहते, हम बेडोल जगह नहीं। परमेश्वर ने सुनसान जगह को ब्लेस किया, परमेश्वर ने बेडोल जगह को ब्लेस करा। हालेलुया। कई बार हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आती है, कई बार हमारे ऊपर ऐसी बीमारी आती है, तो हम सोचते हैं ये घर मेरे लिए आशीषित नहीं है, ये परिवार मेरे लिए आशीषित नहीं है, शायद मुझे इससे अलग होना ही काफ़ी है, शायद मुझसे जाना ही काफ़ी है। ये वो आशीष का कारण नहीं है, ये वो चीज़ों का कारण नहीं है। परमेश्वर सुनसान जगह को ब्लेस करता है, परमेश्वर बेडोल जगह को ब्लेस करता है। क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसा ब्लेस करा? तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली तराई को देखा और सब सिंची भी वहां पे, सब घर बने, सब बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, जब तक सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। सोचो अगर अब्राहम सदोम और अमोरा में भी जाता ना, तो वो जगह ब्लेस होती। यह है गॉड्स फेवर, यह परमेश्वर का फेवर था अब्राहम के साथ। यदि अब्राहम यहाँ पे भी जाता ना, यहाँ ब्लेस रहता। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लूत ने कैसी जगह को देखा? लूत की जो आंख थी वो किसको देख रही थी? सुनसान और बेडोल जगह को नहीं देखा, लेकिन अब्राहम ने क्या चीज को देखा? आगे पढ़िए, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, हाँ, तब तक सोर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। मिस्र देश के से उपजाऊ थी, वहाँ पे क्या थे? उपजाऊ थे। वहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए थे, वहाँ पे सब कुछ चहल पहल थी, सब कुछ हो रहा था। उसने देखा यहाँ पे घर बन रहे, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे, अब मैं भी यहीं पे रहूंगा। हालेलुया। आज हम भी ऐसा चेक करते हैं। आगे, इसलिए लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला। हाँ, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और क्या हो गए? वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। हालेलुया। ताकि उन लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आगे, अब्राहम कनान देश में रहा। पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। अब्राहम कहाँ रहा? अब्राहम कनान में रहा। और लूत कहाँ रहने लगा? तराई के नगरों में रहने लगा। हाँ, आगे, और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम और अमोरा के लोग जो परमेश्वर की नजर में बहुत ज्यादा पापी थे। क्या थे? पापी थे। कई बार हम कुछ चीज लेने की कोशिश करते, तो हम ये सोचते हैं यहाँ पे तो कोई घर नहीं बना है, यहाँ पे हमारी शॉप नहीं चलेगी, यहाँ पे हमारी ये नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारा वो नहीं चलेगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर सुनसान और बेडोल जगह में आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुनसान और बेडोल जगह में आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको सुनसान बेडोल जगह में आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। पृथ्वी क्या थी पहले? बेडोल थी। पृथ्वी क्या थी पहले? सुनसान थी। हालेलुया। यदि आज आप सोचते हैं आपका घर बहुत सुनसान है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपका घर बहुत बेडोल हो चुका, अब आपको अच्छा नहीं लगता, उस सुनसान जगह में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। उस सुनसान जगह में आपको ब्लेस करेगा, उस सुनसान जगह में आपको आशीषित करेगा, उस सुनसान जगह में आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। एक और बात बताना चाहती, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या थी? बेडोल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ? आज आपके घर में किसको आने की ज़रूरत है? आज आपके घर में सबसे पहले वो सुनसानपन को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा को आने की ज़रूरत है। उस बेडोलपन को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा को आने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी क्या थी? बेडोल थी। पृथ्वी क्या थी? सुनसान थी। बेडोल और सुनसान पड़ी थी। कैसी पड़ी थी पृथ्वी? बेडोल और सुनसान पड़ी थी। लूत ने कैसी चीज़ों को चेक करा? अब्राहम ने कौन सा घर लिया और लूत ने कौन सा घर लिया? लूत ने कौन सा अपना तंबू खड़ा किया और अब्राहम ने कहाँ जाके अपना तंबू खड़ा करा? अब्राहम ने कनान में तंबू खड़ा करा। अब्राहम ने कनान में तंबू खड़ा करा। और लूत ने अपना तंबू कहाँ खड़ा करा? लूत ने अपना तंबू सदोम और अमोरा में खड़ा करा। सदोम और अमोरा के जो लोग थे परमेश्वर की नज़र में बहुत पापी थे, व्यभिचारिणी थे, गंदी थे, रोज झगड़ा करना, रोज माराकुटी करना, इस टाइप के लोग थे। और वहाँ अब्राहम ने नहीं देखा कि यहाँ पे बहुत सारे तंबू है, अब मैं भी तंबू बना लूंगा यहाँ पे। वहाँ पे कोई नहीं था। अब्राहम ने वहाँ, जहाँ कोई नहीं है वहाँ हमको परमेश्वर ब्लेस करेगा, जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे?
पृथ्वी बेडोल और सुनसान। जब हम इस कॉलोनी में इस जगह आने वाले थे, लोगों ने बोला उस कॉलोनी में मत लेना, उस कॉलोनी में मत लेना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम मार्केट जाते या बाहर जाते कहीं भी, तो बहुत गर्मी की वजह से बहुत गर्म हवा आती है, लेकिन जैसे हम अपनी कॉलोनी के अंदर घुसते हैं ना, एकदम ठंडी हवा आती है, ठंड में भी और गर्मी में भी। और पूरा यहाँ का जो टेम्परेचर है पूरा नॉर्मल, पूरा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। आप सोचिए, हमें आज लोगों की बात सुनना है या हमें पवित्र आत्मा की बात सुनना है? लोग दिखाएंगे कि वहाँ मत लेना, लोग दिखाएंगे वहाँ ये काम मत करना, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी? सृष्टि की। पृथ्वी कैसी पड़ी थी? बेडोल पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। पृथ्वी कैसी पड़ी थी? सुनसान पड़ी थी। हालेलुया, आज हम भी अपने घर में सुनसान पड़े, वे बेडोल पड़े, कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, कुछ भी बन नहीं रहा, लेकिन एक वर्क हुआ, एक काम हुआ, एक चीज हुई। पढ़िए आगे, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा क्या था? था गहरे जल के ऊपर डार्कनेस थी, अंधकार की शक्तियां काम करी, अंधकार काम कर रहा था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया, जब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम, इन द बिगनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वाइट एंड डार्कनेस वॉज ओवर द फेस ऑफ द डीप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधकार थी। गहरे जल के ऊपर क्या थी? डार्कनेस थी। हालेलुया, आज आपको क्या पता है उस जगह डार्कनेस काम करी है? आज आपको क्या पता है उस जगह अंधकार की शक्तियां काम करी है? आज आपको क्या पता है उस घर डेविल की पावर काम कर रही है? आज आपको क्या पता है उस घर अंधकार की शक्तियां काम कर रही है? शैतान की शक्तियां काम कर रही है, वहां पे डार्कनेस काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि पृथ्वी क्या पड़ी थी? बेडोल पड़ी थी। पृथ्वी क्या पड़ी थी? सुनसान। क्यों पड़ी थी? क्योंकि वहां पे अंधियारा काम कर रहा था। वहां पे क्या काम कर रहा था? गहरे जल के ऊपर डार्कनेस काम कर रही थी। डार्कनेस अपने पावर को, डार्कनेस अपनी शक्ति को, अंधकार की शक्ति को क्या कर रही थी? फैला रही थी। हालेलुया, लेकिन इन बीच में एक चीज काम आई, इन चीजों में एक चीज काम आई। हालेलुया, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया, आज हमारी लाइफ में पृथ्वी बेडोल हो चुकी, आज हमारे घर में सुनसान पना गया। आज आप सोचते, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं मर जाना चाहता हूँ, मेरी लाइफ सुनसान हो चुकी है, अब बस ये बीमारी में मुझे जीवन काटना है, ये पूरी शुगर में मेरे को जीवन काटना है, अब मुझे पूरी लाइफ टाइम शुगर की टैबलेट लेना है, अब पूरे लाइफ टाइम मुझे डायबिटिक की टैबलेट लेना है, अब पूरे लाइफ टाइम मुझे ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेना है, अब पूरे लाइफ टाइम आपको बीमारी में रहना है। आपने ये सोच लिया है तो ये आपकी लाइफ का सुनसानपन है। आपकी लाइफ का क्या है? सुनसानपन है। आपकी लाइफ का क्या है? बेडोलपन है। क्योंकि क्या काम कर रही है? डार्कनेस काम कर रही है। क्या काम कर रही? अंधकार की शक्तियां काम कर रही है। क्या काम कर रही? अंधकार की युक्तियां काम कर रही है। क्योंकि पृथ्वी बेडोल और सुनसान क्यों पड़ी थी? क्योंकि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर डार्कनेस काम, अंधकार काम कर रहा था। हालेलुया, लेकिन जब पवित्र जब परमेश्वर ने एक वर्ड को बोला, जब परमेश्वर ने एक चीज़ को बोला, सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी? सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था? अंधियारा, डार्कनेस काम कर रही थी। लेकिन एक चीज़ हुई, तथा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पूरा पढ़िए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आज हमारी लाइफ में बेडोलपन है, आज हमारी लाइफ में सुनसानपन है, तो हमारी लाइफ में डार्कनेस, अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, लेकिन हमें क्या बोलना है? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर डार्कनेस काम कर रही थी, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। कल आपने लाइव मीटिंगों में, जितने ऑफलाइन है, जितने ऑनलाइन है, आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ? पवित्र आत्मा कल मंडरा रहा था यहाँ पे। पवित्र आत्मा कल क्या कर रहा था यहाँ पे? मंडरा रहा था।
हालेलुया। हम शब्द नहीं बोलते हैं और हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा का माहौल को क्रिएट करिए, पवित्र आत्मा को बनाइए अपने घर में, पवित्र आत्मा को क्रिएट। परमेश्वर ने यहाँ पे माहौल को क्रिएट किया, परमेश्वर ने यहाँ पे माहौल को बनाया। क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। आज हमारे घर में हमें बोलना है, जैसे यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था ना, वैसे मेरे घर में पवित्र आत्मा मंडराने लगे, मेरे पवित्र परिवार में पवित्र आत्मा मंडराने लगे, मेरे परिवार में पवित्र आत्मा मंडराने लगे, मेरे बच्चों की लाइफ में पवित्र आत्मा मंडराने लगे, मेरे जॉब में पवित्र आत्मा मंडराने लगे, मेरी हर एक डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट में पवित्र आत्मा मंडराने लगे। डॉक्टर ने कैसे भी वर्ड बोला है, उसके शब्दों में पवित्र आत्मा मंडरा है। वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में पवित्र आत्मा मंडराने लगे। वो जेल में बंद है, वो जेल खाने में पवित्र आत्मा मंडराने लगे। आपके व्यवसाय में, आपके प्रेयर लाइफ में आज पवित्र आत्मा मंडराने लगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराना। परमेश्वर पवित्र आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? वो मंडरा रहा था, वो मंडरा रहा था, वो घूम रहा था, मूवमेंट कर रहा था। आज हमें पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना है। सबसे पहले जो हमारे लाइफ में जो अच्छी चीज़ है ना, जो बेस्ट चीज़ हमें मिलेगी, सबसे पहले अपने लाइफ में जो पवित्र आत्मा का आदर करना। यदि जो पवित्र आत्मा का आदर नहीं करता, जो पवित्र आत्मा का रिस्पेक्ट नहीं करता, जो पवित्र आत्मा को इग्नोर करता, जब प्रभु के दास मैन ऑफ गॉड हो गए, वुमन ऑफ गॉड हो गए, कोई विश्वासी हो गए, कोई बिलीवर हो गए, चाहे प्रेयर टावर से जब उनको पवित्र आत्मा लीड करता है, जब पवित्र आत्मा गाइड करता है। बहन, मैं आपके बारे में इस तरीके से चीजें देख रही हूं। बहन, मुझे अगुवाई हो रही है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। बहन, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते, पवित्र आत्मा को अपने लाइफ से बाहर भगा देते, इसलिए वो हमारे घर पे नहीं मंडराता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपको चंगा करना चाहता है तब आप सामने नहीं आते, जब पवित्र आत्मा आपको हील करना चाहता है तब आप सामने नहीं आते। हम बाद में चुपचाप से प्रार्थना करा लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आप बोल रहा था, मैन ऑफ गॉड बोल रहे थे, आप सामने नहीं आए। जब कुछ लोग बोल रहे थे, आप सामने नहीं आए, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा का निरादर हो गया, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ से आउट हो गया। क्योंकि आपने क्या करा? पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। क्या कहा? पवित्र आत्मा को बाहर भगा दिया। पवित्र आत्मा चला गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत कोमल है, पवित्र आत्मा बहुत सॉफ्ट हृदय का है। मैं आपको बता चुकी हूँ गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में कि क्या है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। यदि आप चाहते हो आप जहाँ जाए पवित्र आत्मा मंडराए, तो उसकी बात मानना है। आप चाहते हो आपके घर में पवित्र आत्मा मंडराए, आप चाहते हो आपके परिवार में पवित्र आत्मा मंडराए, आप चाहते हो आपके किचन में पवित्र आत्मा मंडराए, आप जाते हो, आप जहाँ जहाँ जाते हो, आप डील करना चाह रहे हो, आप पवित्र आत्मा को साथ लेके जाओ, पवित्र आत्मा मंडराएगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है ये डील मत कर, लेकिन हमें लग रहा है वो डील सही है। पवित्र आत्मा बोल रहा है ये घर मत ले, लेकिन हमें लग रहा है वो घर सही है। पवित्र आत्मा बोल रहा है ये जमीन मत ले, लेकिन हमें लग रहा है वो घर सही है। अब हम बोल रहे हैं कि हम तो पवित्र आत्मा को साथ लेके गए थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? पवित्र आत्मा ने आपको मना किया था, होली स्पिरिट ने आपको मना किया था, अंदर से आपको आवाज़ आई थी कि ये चीज़ गलत है, अंदर से आपको बोला था कि ये चीज़ गलत है, फिर पवित्र आत्मा नहीं मंडराएगा। लेकिन जैसे परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करने लगा? मंडराने लगा। यदि आप चाहते हो तो आपको उसकी बात मानना है। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा, और जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता है तो एक चीज़ और भी होती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मंडराए ना, तब हमें एक वर्ड बोलना है, तब हमें वचन बोलना है। जैसे पवित्र आत्मा मंडराने लगे, फिर क्या बोलना है? परमेश्वर के प्रेजेंस होने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगे, फिर हमारे अंदर से कुछ वचन निकल रहे, हम प्रार्थना कर रहे, कुछ वचन निकल रहे, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, कुछ वचन निकल रहे, तो वह हमें अपनी पॉकेट डायरी निकालना है और लिखना है कि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिया। जब पवित्र आत्मा चर्च में मंडरा रहा है, आपके घर में जरूरी नहीं, वो चर्च में जरूरी नहीं कि वो मंदिर में मंडराएगा, लेकिन वो हर जगह मंडरा सकता है। वो कहाँ मंडराएगा? हर जगह। जैसे पवित्र आत्मा मंडराया, आपको कुछ शब्द दिया, जब पवित्र आत्मा आपको, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, आपको बोल रहा है कि आपको गवाही देना है, आपको बोल रहा है आपको टेस्ट में नहीं देना है, आपको बोलना है कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, आपको ये चीज़ छोड़ना है, आप 110% वो चीज़ों को छोड़ देंगे और आपका छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बोला छोड़ दे।
पवित्र आत्मा मंडरा आपको महसूस हो रहा, और आप बहुत नशे से लिपते, आप बहुत चरस से लिपते, आप गांजे से लिपते, आप झगड़ों से लिपते, तो वो मंडरा जब आपको उसी क्षण बोल रहा है छोड़ दो, तो वो छुटकारा हो जाएगा। आपने मैन ऑफ गॉड की टेस्टिमनी सुनी थी, एक प्रभु का दास रो रो के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ पर पवित्र आत्मा मंडरा था, और मैन ऑफ गॉड को बोला था कि तू छोड़ दे, और उसी वक्त तुमने छोड़ दिया और ये छुटकारा हो गया। जब पवित्र नहीं मैं बाद में छोड़ दूंगा, ये तुम आपका फैसला है, ये हम अपने हिसाब से नहीं, पवित्र आज हमें हील करना चाहता है आज हमें, लेकिन हमें पवित्र आत्मा जब मंडराता है हमारी लाइफों में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तुरंत काम करना है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, किसी के लिए बोल रहा है, मैं आपके लिए ये देख रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, तो आपको बोलना हाँ ये सही बोल रहे हैं। उस वक्त नो ने यस मन नहीं बोलना है, नो नहीं बोलना है। आपको लग रहा है फिर भी आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कि आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जब आए आपने कुछ भी सेम लेके नहीं गए, जैसा है वैसे नहीं गए, फ्री होके गए, आज़ाद होके गए, आप भर के गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, फिर क्या हुआ, एक चीज बोली, पढ़िए। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, हाँ, जब परमेश्वर ने कहा हाँ उज्याला हो, तो उज्याला हो गया। हालेलुया। एक मिनट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा यहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा, सबसे पहले पवित्र आत्मा मंडराया, होली स्पिरिट मंडराया, कुछ भी चीज करने से पहले, कुछ भी चीज बनाने से पहले, कुछ भी चीज लाने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा, उससे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराया। आप मैरिज होने से पहले पवित्र आत्मा को बुलाए, बेबी प्लानिंग से पहले पवित्र आत्मा को बुलाए, कहीं जाने से पहले पवित्र आत्मा को बुलाए, कुछ बड़ा काम करने से पहले पवित्र आत्मा को बुलाए। मतलब सोचो, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर का आत्मा ही जल के ऊपर मंडरा रहा था, और पवित्र आत्मा ही जल के ऊपर मंडरा है। जब पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराया, जब परमेश्वर ने कहा, पहले नहीं कहा, जब पृथ्वी बेडोल पड़ी थी तब नहीं कहा, जब पृथ्वी सुनसान पड़ी थी तब नहीं कहा, जब गहरे जल के ऊपर अंधेरा तब नहीं कहा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था ना, जब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने क्या बोला, क्या बोला ब्रदर बताइए। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो, जब हम बोलेंगे बीमारी को जाना होगा, दुर्बलता को जाना होगा, कमजोरी को जाना होगा, समस्या को जाना होगा, निराशा को जाना होगा, शैतान को मेरी लाइफ से जाना होगा, डायवी को मेरी लाइफ से जाना होगा, पति पत्नी के झगड़े को जाना होगा, तलाक को जाना होगा, कोर्ट केस को जाना होगा, टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, टूटे परिवार जुड़ेंगे, हर रिश्ते को खराब करने वाली स्पिरिट तुझे जाना होगा। जब हम पवित्र आत्मा मंडराएगा तब हम ऐसा बोलेंगे, जब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो, जब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो, जब हम बोलेंगे बीमारी तुझे जाना होगा, बीमारी जाएगी, जब हम बोलेंगे दुर्बलता तुझे जाना होगा, दुर्बलता जाएगी, जब हम बोलेंगे झगड़े तुझे जाना होगा, झगड़े जाएंगे, जब पवित्र आत्मा को लेकर हम ऐसा काम करेंगे, बिना उपस्थिति को, बिना वचन को लेके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो, पहले क्या हुआ, पवित्र आत्मा मंडराया, पहले महसूस हुआ, पहले उपस्थिति महसूस हुई, पहले पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, और जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने बोला उज्याला हो, क्या बोला, जब परमेश्वर ने क्या कहा, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, तो लेट देयर बी लाइट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा लाइट, तो लाइट आ गई। क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो, तो उज्याला हो गया।
जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब हम बोलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की चीज़ों को महसूस करेंगे तो क्या होगा, जब हम बोलेंगे हम चर्च जल्दी आएंगे, हम चर्च टाइम पे आएंगे तो हम चर्च टाइम पे आएंगे, हम चर्च लेट नहीं आएंगे। जब हम बोलेंगे हम वचन, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है और पवित्र आत्मा बोल रहा है जा उठ के बैठ के वचन पढ़, अभी नहीं पढ़ूंगी, समय नहीं है मेरे पास, अभी मैं अपने हिसाब से पढ़ लूँगी, नहीं, जब पवित्र आत्मा बोले तब चले जाओ वचन पढ़ रहे, वो काम करेगा। फिर आप क्या बोलेंगे, आप जैसा बोलेंगे, जब पवित्र आत्मा मंडराया, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, जब आप बोलेंगे लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट आ जाएगी आपके घर में। हालेलुया। बीमारी आ रही है लेकिन बीमारी जा भी रही है, कमजोरी आ रही है, होली स्पिरिट की अगुवाई से बीमारी जा भी रही है, कमजोरी जा भी रही है, समस्या जा भी रही है। यहाँ पे क्या कहा, परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं कही। डार्कनेस दिख रहा था यहाँ पे परमेश्वर को डार्कनेस दिख रहा था, लेकिन फिर भी डार्कनेस नहीं बोला। अंधियारा दिख रहा था, अंधकार दिख रहा था, लेकिन उसके विरोध में बोला है। यहाँ पे दिख रहा है परमेश्वर को, क्या दिख रहा है, पृथ्वी बेडोल है, यहाँ पे परमेश्वर को दिख रहा है पृथ्वी सुनसान पड़ी है, परमेश्वर को दिख रहा है जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, तथा परमेश्वर का आत्मा फिर क्या हुआ, जल के ऊपर मंडराने लग गया। इसका क्या हुआ, फायदा उठाया। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है तो आपको क्या करना है, ये समय बहुत बहुमूल्य है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोले तो आपको काम करना, क्रिएट करना, स्टार्ट कर देना है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला होगा। जब आप बोलेंगे मेरे को मैरिज के लिए अच्छे रिश्ते आए, जब पवित्र आत्मा बोले, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा बोले हाँ होगा, तब काम करना स्टार्ट करें, तब तैयारी करना स्टार्ट करें। यहाँ पे लिखा है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या हुआ आगे, ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो अंधियारा हो गया, ऐसा हुआ कभी, हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो अंधियारा हुआ, ऐसा हुआ नहीं हुआ, उल्टा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, और उसके बाद जब पवित्र आत्मा मंडरा रही थी तब यहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस फैल रही थी, उपस्थिति फैल रही थी, और लोग वहाँ यहाँ पे कल डिलीवर हो रहे थे, कल आज़ाद, कल फ्री हो रहे थे, अपनी बीमारी से छुटकारा पा के गए, एवरी पीपल हील होके गए, कोई भी बीमारी को लेके नहीं गया, कोई भी समस्या को लेके नहीं गया, वो पवित्र आत्मा देख रहा था आप किस तरीके से रिसीव करें। आप बहुत सारे लोगों ने कल यहाँ पे छुटकारा पाया, डिलीवर हुए, आज़ाद हुए, फ्री हुए, कोई अपनी बीमारी को लेके नहीं, कोई अपनी समस्या को लेके नहीं गया, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा का जो मूवमेंट हो रहा था उन्हें महसूस करा। और वो क्या हुआ, जब मैन ऑफ गॉड, जब यहाँ पे माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है, जब मैन ऑफ गॉड बोल रहा है बहुत सारे लोग बंधन से आज़ाद हो रहे तो वो आज़ाद हो रहे, बहुत सारे की बीमारी जा रही तो जा रही, बहुत सारे लोग कमजोरी जा रही तो जा रही, हुआ ऐसा है, क्योंकि कहा पूरा हुआ। बीमारी तुझे जाना होगा, कमजोरी तुझे जाना होगा, समस्या तुझे जाना होगा, झगड़े तुझे जाना होगा, तलाक तुझे जाना होगा, कोर्ट केस तुझे जाना होगा, विरोधी आत्मा तुझे जाना होगा, शैतान के हर एक बंधन टूटना होगा, तो यहाँ पे गए। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ, नेक्स्ट संडे लोग आ रहे हैं, हम कैंसर लेके आ रहे हैं, हम एड्स लेके आ रहे हैं, हम फीवर लेके आ रहे हैं, हम मलेरिया को लेके आ रहे हैं, वो ऐसे नहीं आते, वो बोलते हैं, गवाही में देते हैं, हम आए थे पहली बार हमारी पत्नी चली गई थी, हमारी पत्नी आ गई, हम आए थे पहली बार हमको ये सेम प्रॉब्लम थी, वो क्या लेके आए हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, जब मैन ऑफ गॉड ने कहा बीमारी तू जा छुटकारा पा, तो वो अपने छुटकारे को लेके आए, वो अपनी चंगाई को लेके आए, वो अपनी आशीष को लेके आए, वो अपनी बरकतों को लेके आए, वो अपने मिरेकल को लेके आए। अभी कुछ नई सिस्टर्स जुड़ी हुई है, बहुत समय से वो चाह रही थी कि उनको कार मिले, लाइव मीटिंग देखते देखते उनको परमेश्वर ने अच्छी कार गिफ्ट किया। हालेलुया, क्योंकि जैसा मैन ऑफ गॉड कहता, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। एक मनुष्य कह के पलट सकता है, वो बोलेगा हम शाम को मिलते हैं, मैं शाम को आऊँगा, मैंने तो उसे कह दिया है, लेकिन वो शाम, परसों, नरसों, एक वीक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा होता है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जब लूत और अब्राहम अलग हुए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई। निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 13। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति उसका 13,
12 पढ़िए। अब्राहम कनान देश में रहा, लूत और अब्राहम अलग हो गए, और अब्राहम जो था वो कनान देश में हुआ रहने लगा, और लूत जो है सदम और अमोरा में रहने लगा, वहाँ पे अपना तंबू खड़ा किया। अब्राहम कनान देश में रहा। हाँ, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे, और वहाँ पे लूत रहने लगा। हालेलुया। आगे 14 पढ़िए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब हम अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की वेदियों से, अंधकार से अलग होते, अंधकार के लोगों से अलग होते, तब क्या होता है? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने, एक मिनट धीमे धीमे, तब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात अलग होने के बाद परमेश्वर ने एक बात अब्राहम के लिए बोली, परमेश्वर ने एक वर्ड अब्राहम को बोला, परमेश्वर ने एक आशीष अब्राहम के रखी हुई है। आज आपके लिए भी वो आशीष रखी हुई है, आज आपके लिए वो ब्लेसिंग रखी हुई है, आज आपके लिए वो नया मन्ना रखा हुआ है, आज आपके लिए वो नए का ग्रेस रखा हुआ है, आज परमेश्वर का फेवर भी आपके साथ है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम लूत के संग रहे। तब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात उसके बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा। यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। यहां पे भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा। आज हम से भी परमेश्वर क्या कहता है, आज हमसे परमेश्वर क्या प्रॉमिस करता है, वो आज हमको अलग करना चाहता है, हमारे हर एक कंफर्टेबल प्लेस से अलग करना चाहता है। जब लूत से अलग हो गया, मतलब पहले से ही अब्राहम के लिए आशीष रखी हुई थी, पहले से ही अब्राहम के लिए ब्लेसिंग रखी हुई थी। हालेलुया, क्योंकि वो दोनों साथ थे, तो इसलिए परमेश्वर ने इसको नहीं बोला था। लेकिन जब लूत से अब्राहम अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, और यहोवा ने अब्राहम से क्या कहा? आज परमेश्वर आपसे क्या बोलता है? पढ़िए। आंख उठाकर आज हमें कहाँ देखना है? आंख उठाकर। यहाँ पे लूत ने आंख उठाकर क्या देखा? सदोम और अमोरा को। लूत ने आंख उठाकर किस चीज को देखी? सदोम और अमोरा को। लूत ने शारीरिक आंखों से सदोम और अमोरा को देखा, लेकिन अब्राहम ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि अब्राहम पैसों का बहुत बड़ा धनी था, अब्राहम ऑलरेडी ब्लेस्ड था, अब्राहम ऑलरेडी आशीष था, क्योंकि ये अब्राहम का खुद का पैसा था। लेकिन अब अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है, जब वो लूत से अलग हुआ, तब क्या है? आज हमें ऐसे वो चीजों से जो वचन में, प्रार्थना में हमें रोकती है, डीले करती है, हमें क्या होना है? अलग हो जाना है। और जैसे लूत अलग हुआ, क्या हुआ? तब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से बोला, और अब्राहम से क्या बोल रहा है? लूत ने सदोम और अमोरा को देखे, वहाँ के लोग व्यभिचारिणी थे, वहाँ के लोग पापी थे, यहोवा की बात नहीं मानते, परमेश्वर की सेवा कुछ भी काम नहीं करते, बहुत पापी थे, और परमेश्वर वहाँ को देश को नष्ट करने वाला था, खराब करने वाला था। हालेलुया, क्या करने? खराब करने, नष्ट करने वाला था। लेकिन लूत वहाँ रहा सदोम और अमोरा में, लेकिन अब्राहम कनान में रहा। लेकिन जब लूत से अब्राहम अलग हुआ, हालेलुया, जब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, फैसला किया उन्होंने कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ताकि हम में कोई मनमुटाव नहीं हो, हमें कोई झगड़ा नहीं हो, क्योंकि उनके जो चरवाहे आपस में झगड़ा हो रहे थे, उनके चरवाहों के जो भेड़ बकरे चला रहे थे, उनके चरवाहों में आपस में झगड़ा होता, इस कारण से वो दोनों अलग हो गए। और जैसे ही वो दोनों अलग हो गए, यह गॉड्स प्लानिंग, यह परमेश्वर की प्लानिंग, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा। और यहोवा ने अब्राहम से क्या कहा? लूत ने भी आंख उठाकर देखा, और अब्राहम को परमेश्वर आंख उठाकर, एक मनुष्य का आंख उठाकर देखना और एक परमेश्वर का आंख उठाकर दिखवाना, दोनों तरीके डिफरेंट बातें हैं। लूत ने आंख उठाकर तराइयों को देखा, लूत ने आंख उठाकर हर एक अच्छी चीजों को देखा, लेकिन अब्राहम ने सुनसान जगह को देखा था, अब्राहम ने बेडोल जगह को, अब्राहम ने अपना तंबू ऐसा कि अब्राहम का जहां तंबू था वहां पे किसी का तंबू था, अब्राहम का जहां घर था वहां पे किसी का घर था, अब्राहम जहां रहता था वहां पे किसी का घर नहीं था, अब्राहम जिस शहर में था वहां पे किसी का, वो जगह सुनसान थी, वो जगह बेडोल थी। शायद आप सुनसान जगह में हो, शायद आप बेडोल जगह में हो, शायद गलत जगह में हो, लेकिन मैं आज आपको बताना, परमेश्वर सुनसान जगह को ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर बेडोल जगह को ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि यहां पे लिखा है आंख उठाकर, यहां पे लिखा है यहोवा ने अब्राहम से कहा। पढ़िए। आंख उठाकर, हां,
जिस स्थान पर तू है हाँ वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर। हालेलुया, एक मिनट वापस से पढ़िए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। जब लूत क्या हुआ, अब्राहम से क्या हो गया, अलग हो गया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद शंदा वाला वाला वाला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ पढ़िए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर। हालेलुया, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, लूत क्या हुआ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात, अब्राहम से अलग उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से एक बात बोली, आँख उठाकर। लूत ने भी देखा, अब मैं तुझे आँख उठाकर बोल रहा हूँ, देख। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला था, यहाँ पे परमेश्वर ने बोला, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और यहाँ पे भी सेम, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। जिस स्थान पे तू है, जिस स्थान पे तू खड़ा है, जिस स्थान को तू लूत अलग होके आया है, लूत से अलग हुआ है, जिस स्थान पे तू खड़ा है, जिस स्थान पे तूने अपना तंबू खड़ा करा है, अब वो नहीं जानता कि वो जमीन ब्लैस है। आज आप नहीं जानते कि जिस जगह आप है आपकी कॉलोनी में कोई घर नहीं बने हुए है, आपके शहर में कोई घर नहीं बने। आप बोल रहे हो कि जगह सुनसान है, इस जगह भी कभी घर नहीं बनेगा, ये जगह कभी नहीं बढ़ेगी, इस जगह कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिस कॉलोनी में हम पहले रहते थे उस जगह कुछ भी काम नहीं हुआ था, कोई भी काम नहीं हुआ था। हालेलुया, हमने प्रार्थना करी वहाँ पे रोड बना, हमने प्रार्थना करी बिजली के बड़े बड़े वायर ताकि लोगों को करंट नहीं लगे। हम हर चीज़ प्रेयर से होती है और हमें नहीं पता ये बात। हम जब सब कुछ हो गया तब हमें मालूम पड़ा, रोड बन रही हमें मालूम पड़ा, ये वायर लग रहे तब हमें मालूम पड़ा, हाँ ये वायर लग रहे हैं। हालेलुया, तो आप क्या सोचते हो, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, आग उठाकर देख जिस स्थान पर तू है। मतलब अब्राहम कहाँ था, अब्राहम कहाँ था, अब्राहम कनान में था, और यहाँ पे जिस स्थान पर तू है वहां से तू देख। आप जिस स्थान पे है वहां से अपनी आशीषों को देख ले। आज आप जहां भी है वहीं से अपनी आशीषों को देखे। मैं वहां जाऊंगा, मैं बॉम्बे में जाऊंगा, मैं अमेरिका में जाऊंगा, मैं फॉरेन में जाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, अरे ये इंदौर में कुछ नहीं रखा है, अरे ये बॉम्बे में कुछ नहीं रखा है, जो भी सब कुछ है फॉरेन में है। कुछ लोग फॉरेन में भी ब्लेसड नहीं है, कुछ लोग इंडिया में भी ब्लेसड नहीं है, कुछ लोग गाँव में रह के ब्लेसड हो चुके हैं, कुछ लोग गांव में रह के ब्लेसड हो चुके, कुछ लोग शहर में आके ब्लेसड हो चुके। क्योंकि जिस स्थान पे तू है उस इस स्थान को मैं ब्लेस करूंगा, जिस जमीन पे तू खड़ा है, क्योंकि तूने तराइयों को नहीं देखा, तूने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नहीं देखा, तूने बड़ी बड़ी चीजों को नहीं देखा, तूने सुनसान जगह को देखा है, तू थोड़े में देखा है। तूने क्या देखा, यहाँ पे आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से कितनी दूर देखने के लिए बोल रहा है, उत्तर की ओर देखने बोल रहा है। क्योंकि अब्राहम ने क्या कहा था लूत से, यदि तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाई ओर जाऊंगा, यदि तू दाई ओर जाएगा तो मैं बाई। सोचो अब्राहम अगर सदोम और अमोरा में भी जाता ना तो सदोम और अमोरा नष्ट नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का फेवर अब्राहम के साथ था। लेकिन लूत ने आंख उठाकर तराइयों में देखा। पहला चुनाव लूत को दिया, पहले बोल सकता था अब्राहम कि पहले चुनाव मैं करता हूँ फिर मैं तुझे देता हूँ, नहीं, पहला उसने दिया उसके भाई को दिया, उसके चाचा के बेटे को दिया, और उसको बोला यदि तू दाहिनी जाएगा तो मैं बाई जाऊंगा, यदि तू बाई जाए तो मैं दाहिनी जाऊंगा। पहला मौका उसने दिया और फिर उसने चुन लिया, पूर्व की ओर जगह चुन ली, फिर उसने चुनाव किया, उसने अपना तंबू कनान में खड़ा किया। ये परमेश्वर हमारे छोटी छोटी बातों को चेक करता है। परमेश्वर देखता है कि पहला इसने अपनी चीजों को किसको दे दिया, लूत को दे दिया। और सोचो जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से बोला आग उठा कर देख, आग उठा कर देख। आप जिस भी जगह अपने घर में खड़े हो ना उसी जगह से परमेश्वर ब्लेस करेगा, वो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उसी से आपको ब्लेस करेगा। क्या लिखा है, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठा कर देख जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर नजर देख, चारों ओर दृष्टि करके देख, चारों ओर। क्योंकि जितनी भूमि, जितनी जगह, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है,
आगे पड़ी जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने मांगा अब्राहम ने नहीं बोला। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह ब्लेसेड है, जिस जगह तू देख रहा है ये किसकी नजर थी? अब परमेश्वर दिखा रहा था अब्राहम को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जिस स्थान पर तू है वहां से देख, जिस जगह तू है वहां से देख। आज जिस जगह है हमें वहीं से देखने की जरूरत है, जिस जगह हम है हमें वहीं से आशीष को देखेंगे। वहां जाएंगे तो आशीष रहेगी, वहां जाएंगे तो ब्लेसिंग रहेगी, वहां जाएंगे तो नहीं, हमारे घर से ही परमेश्वर में ब्लेसिंग देगा, हमारे घर में से परमेश्वर ब्लेसिंग देना स्टार्ट करेगा। शायद आप सोच रहे सुनसान है, बेडोल है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। यहाँ पे भी उजियाला हो गया। सुनसान थी ये जगह, सुनसान थी ये जगह, बेडोल थी ये जगह, कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब्राहम को क्या पता था कि सुनसान जगह में परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, सुनसान जगह में परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, क्योंकि जितनी भूमि अब्राहम को दिखाई देगी, जितनी दिखाई नहीं दे उतनी नहीं, लेकिन जितनी अब्राहम अपनी आंखों से देखेगा ना, अब्राहम को 50 दिखाई देगी, अब्राहम को 100 दिखाई देगी, अब्राहम को 1000 दिखाई देगी, अब्राहम को एकड़ में दिखाई देगी, 100 एकड़ दिखाई देगी, 250 एकड़ दिखाई देगी, अलग अलग एकड़ में दिखाई देगी। क्या होगा? जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि अब्राहम को दिखाई देती है, उसकी जगह अपना नाम लिख ले। जितनी भूमि आज आपको दिखाई देती है क्या होगा? यदि आप परमेश्वर के प्रति फेथफुल है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, अपने परमेश्वर के राज्य का बीज बोते हैं, दशवांश देते हैं, अपने राज्य का ईमानदारी से हर एक कार्य करते हैं और उसके प्रति फेथफुल है, फ्रॉड नहीं है, फेथफुल है, तो परमेश्वर आज आपसे एक प्रॉमिस करता है। परमेश्वर आज आपसे वायदा करता है, वो आज आपसे लव करता है, बहन भाई आज आपसे वो लव करता है, वो प्यार करता है। यदि आप उसके लिए फेथफुल है, परमेश्वर भी आपके लिए फेथफुल है। आप उसके लिए वफादार है, वो भी आपके लिए वफादार है। आप उसके लिए विश्वास योग्य है, वो भी आपके लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो यहाँ पे एक वायदा करता है वो आपसे, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से, जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां से तू उत्तर की ओर देख, वहां से तू दक्षिण की ओर देख, वहां से तू पूर्व की ओर देख, वहां से तू पश्चिम की ओर देख। मतलब पूर्व में तो लूत भी गया था, वो जगह भी अब्राहम को दे दी, पश्चिम भी दे दी, उत्तर भी दे दी, दक्षिण भी दे दी, और ये सारी जगह दे दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर नजर कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है ना, जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है अब्राहम को, जितनी भूमि दिखाई दे, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे, एक मिनट, जितनी भूमि अब्राहम को, और जितनी दिखाई नहीं दे वो तो नहीं पता, लेकिन जितनी भूमि उसको दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से वचन पढ़िए, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि अब्राहम को दिखाई देती है, उन सबको पढ़िए, उन सबको मैं तुझे, मैं किसको दूंगा? अब्राहम को दूंगा। जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है मैं तुझे, वही भूमि जो सुनसान थी, वही भूमि जो बेडोल थी, वो अब्राहम को दे दिए, वो अब्राहम को दे दिए, वो अब्राहम के कुटुंब में आ चुकी है, वो अब्राहम के परिवार में आ चुकी है, वो अब्राहम की पीढ़ियों से पीढ़ी में आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है पढ़िए, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे, मैं अब्राहम को दूंगा। अब्राहम देख रहे, अब्राहम को तो देगा परमेश्वर, और क्या बोल रहा है आगे, और तेरे वंश को, तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, तेरे वंश को युग युग के लिए, मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, युग युग मतलब हमेशा के लिए दूंगा। पढ़िए पूरा, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को, उन सब को, जितनी भूमि अब्राहम को दिखाई देती है ना, आज जितनी चीज आप जा रहे हो ना, आपको दिखाई दे रही है ना, वो आपको देने वाला है, वो आपको देने वाला है। बहुत सारे लोगों को नोटिस करा है, ये चीज नहीं ले पाते, आज आपसे हिरसेंगे नहीं, जो आपको दिखाई दे रहा है वो आज आपकी है। आप देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, आज आप चेक कर लीजिए, आज आप लिस्ट बना लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, वो चीज आपके पास होगी। मैं कुछ अपनी गवाही बताना चाहूंगी, मैं कुछ अपनी गवाही बताना चाहूँगी। मैं बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करती थी, बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करती थी, ये मुझे चाहिए, वो मुझे, जब मैं मसीह में नहीं आई थी, हालेलुया। लेकिन जब मैंने गौर से शादी हुई, जब मेरी मैरिज हुई, और जो जो चीज़ मैंने देखी थी ना,
ऐसी एक चीज नहीं है जो मुझे नहीं मिली है, क्योंकि जितनी भी वो चीज तुझे दिखाई देगी वो सब परमेश्वर आज आपको देगा। यदि आप फेथफुल है, यदि वफादार है, यदि आप विश्वास योग्य है, यदि परमेश्वर में देने वाले है, आप फेथफुल है, परमेश्वर आपके लिए फेथफुल है। आप विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। आप वफादार है, परमेश्वर आपके लिए वफादार है। क्योंकि यहाँ पे अब्राहम ने पहले लूत को दे दिया, पहले हमें दूसरों को आगे बढ़ाना है, हम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। हालेलुया, प्रार्थना करने का मौका आता है, हमें आती प्रार्थना करने, हम दूसरों को प्रार्थना करने दे, हम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे तब नहीं बढ़ेंगे, हम दूसरों को मौका देंगे तब बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, पढ़िए, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर फिनिश करेंगे। हाँ पढ़िए। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि आज आपको दिखाई देती है ना, अपना नाम लिख लीजिए, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मतलब दे दिया है, हालेलुया, दूंगा और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनके के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल किनकों को गिन सकेगा वे तेरे वंश को भी गिन सकूंगा। और सुनो, एक और बोल रहा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझे ही को दूंगा। उठ, अब चेक कर इस जगह को देख, उठ लंबाई चौड़ाई को देख, मैं उसे तुझी को दूंगा। हालेलुया, किसको देगा? हमको। तब अब्राहम ने कहा, सॉरी, तब यहोवा ने कहा और अब्राहम को दिया है। पढ़िए यहाँ से, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू, वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। यहोवा ने ये अब्राहम से कहा था। अब्राहम ने नहीं बोला मुझे पूर्व चाहिए, अब्राहम ने नहीं बोला मुझे पश्चिम चाहिए, अब्राहम ने नहीं बोला दक्षिण चाहिए, अब्राहम ने नहीं बोला कि मुझे तो दे लेकिन मेरे वंश को भी दे, अब्राहम ने ये नहीं बोला। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम को दिया, देख तू जितनी यहाँ से तू खड़ा है ना, ये सुनसान जगह से जितनी जगह तू देख सकता है देख ले। अब परमेश्वर उस सुनसान जगह को ब्लेस करने जा रहा है। आज हम सोचते ये जगह फलवंत नहीं है, ये जगह नहीं है, आने वाले समय में लोगों को अफसोस होता है, अरे काश हम इस जगह ज़मीन ले लेते, काश हम इस जगह घर ले लेते, अब इसका रेट तो बहुत बढ़ चुका है, अब इसका रेट 7,000 हो गया, अब इसका रेट 10,000 हो गया। कैसे हुआ? वही जगह आपको ब्लेस है। आपको परमेश्वर ने बोला जा, आपको सुनसान लग रहा था, आपको बेडोल लग रहा था, वही सुनसान जगह में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, वही सुनसान बेडोल जगह में पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। यही सुनसान बेडोल जगह में अब्राहम को ब्लेस करा, सारा को ब्लेस करा। क्योंकि वापस से पढ़िए, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से एक प्रॉमिस करा, आँख उठाकर देख जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू रह रहा है वहीं से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर चारों दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझी को दूंगा, उन सबको मैं तुझको दूंगा। जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है उन सबको मैं तुझे दूंगा। अब्राहम को जितनी दिखाई दे रही है उसको दे दूंगा, अब्राहम को तो देगा, साथ में उसके वंश को दूंगा और युग युग के लिए और हमेशा के लिए दूंगा। और क्या होगा? उठ लंबाई को गिन और चौड़ाई को लूँ, क्योंकि मैं ये तुझी को दूंगा, क्योंकि मैं ये अब्राहम को दूंगा, और अब्राहम के द्वारा यह आशीष इजहाक से आएगी, इजहाक के द्वारा यह आशीष याकूब में आएगी। अब्राहम इजहाक याकूब का परमेश्वर, हालेलुया, अब्राहम से, हालेलुया। इसलिए जब कोई सुनसान जगह देखो, जब कोई बेडोल जगह, परमेश्वर आपको बेडोल जगह इसलिए दी है क्योंकि उस बेडोल जगह को आप ब्लेस बना पाए, सुनसान जगह को। यहाँ पे भी उत्पत्ति 1 में क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पे भी परमेश्वर ने कहा देख ये चीज़ मेरे को तेको दूंगा, तो वो दे दिया है। हालेलुया, क्योंकि पहले क्या थे? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, खाली था सब कुछ। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा आशीष है, तो आशीष आ गए। जब परमेश्वर ने कहा ब्लेसिंग हो, ऐसा कहा कि उजियाला बोला और अंधेरा आ गया? नहीं हुआ ना ऐसा। तो हम भी जैसा बोलेंगे वैसा होगा, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोला उजियाला, तो अंधेरा हो गया। यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती मैं तुझे दूंगा, तो उसको कुछ लॉस हुआ? उसको बोला वो हुआ। यदि हम भी ऐसा बोलने लगेंगे, हम भी परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे, जो पवित्र आत्मा मंडराएगा और हम बोलने लगेंगे, हम कार्य करने लगेंगे, हमारे जीवन में ऐसा होने लगेगा। जब हम बोलेंगे घर बन जा, जब हम बोलेंगे गाड़ी हो जा, जब हम बोलेंगे ब्लेसिंग आ जा, जब हम बोलेंगे आज से हम वचन पढ़ेंगे, आज से हम प्रार्थना करेंगे, हम फेथफुल में रहेंगे, हम वफादार होंगे, हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो हम ईमानदार रहेंगे। दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या आती रहेगी,
शत्रु अपना काम कर रहा है, हमें भी अपना काम करते रहना है। डेविल अपनी प्लान कर रहा है, हमें भी अपनी प्लानिंग करना है। वो डबल प्लानिंग करता है, हमें उससे डबल प्लानिंग करना है। शत्रु अपना काम कर रहा है, हमें भी अपना काम करना है। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की क्या करी? रचना करी। और मैं आज आपको बताती हूँ, सुनसान जगह में परमेश्वर ब्लेस किया। जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, भजन संहिता 1:3 क्या लिखा है उसमें? भजन संहिता उसका 1:3 वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में अपने टाइम पे फलता है। और अब्राहम का फला अपने टाइम पे, वो जब लूत गया तब देखा, अरे वो इतनी अच्छी चला गया, मैं नहीं गया। अब्राहम को बड़ी आशीष दी, अब्राहम को बड़ी ब्लेसिंग दी, वो अपने समय में फलवंत हुआ। हाँ, और जिसके पत्ते कभी उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, जो कुछ वो पुरुष करेगा वह सफल होगा। जो कुछ अब्राहम कर रहा था वो सफल हो रहा, जो कुछ आज हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से करेंगे वो सफल होगा। एक वचन और पढ़िए, भजन संहिता 92:14। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे। आज हम पुराने होने पर भी क्या होंगे? फलवंत होते रहेंगे। जितने ज़्यादा पुराने, 2 साल पहले मसीह, 3 साल पहले मसीह, 5 साल पहले मसीह, 7 साल पहले मसीह, 8 साल पहले, और जितने ज़्यादा पुराने होते ना उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हालेलुया। और पुराने होने पर भी क्या होंगे? फलते रहेंगे। आपने देखा है ना, जितने पुराने लोग रहते उनकी सैलरी ज़्यादा रहती, जितने पुराने लोग रहते उनका इंक्रीमेंट ज़्यादा रहता, जितने पुराने लोग रहते उनकी ज़्यादा चलती है, राइट? तो हम जितने पुराने रहेंगे, पुराने होने पर भी हम क्या होंगे? रस भरे रहेंगे, लहराते रहेंगे। पढ़िए पूरा, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। कभी हम मुरझाएंगे नहीं, और हम अपने समय पे आशीष को लेंगे। क्योंकि हाँ, पृथ्वी क्या थी? बेडोले। पृथ्वी क्या थी? सुनसान थी, और क्या? डार्कनेस थी। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मंडराया ना, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जब पवित्र आत्मा मंडराया ना, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ऐसा हुआ। फिर तब लूत और अब्राहम अलग हो गए, तब परमेश्वर ने कहा जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ती देख ले वो सब तेरी हो जाएगी। दाहिनी बाई जहाँ भी तुझे देखना, वो सब मैं तुझी को दूंगा। हालेलुया। आज हमें कहना है, जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर बोलेगा वैसा होगा। आज हमें भी कहने की ज़रूरत है। पहला हमने देखा उत्पत्ति 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, इन द बिगनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड। पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर डार्कनेस थी, अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा मंडराया, जब परमेश्वर का आत्मा मंडराया तब क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हुआ। जब परमेश्वर का आत्मा मंडराया, जब लूत और अब्राहम अलग हुए, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ती है देख ले, लंबाई चौड़ाई को भी देख ले, और इन्हीं को मैं तुझे को तो दूंगा, सच में तेरे वंश को भी दूंगा, और ये युग युग के लिए होगा, हमेशा के लिए देगा। और भजन संहिता 1 हमने देखा, 1:3 वो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। हम अपने समय में फलते रहेंगे, हम रस भरे होते, हम लहराते, पुराने होने पे भी हम फलते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अपनी ब्लेसिंग को संभाल के रखें, अपनी आशीष को संभाल के, आज जब ये वचन सुना है आपने, इस पर मनन करें, इस पर मेडिटेट करें। जब आप जैसा बोलेंगे, जब पवित्र आत्मा मूवमेंट होगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। इसी वचन के साथ परमेश्वर आशीष दे आपको। हालेलुया। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप डाल सकते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप डाल सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को अपोस्टल रोहित मसीह मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हो। हालेलुया। वहाँ पे सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना रहती है। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री सुबह मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, 7 दिन चलती है। हालेलुया। यदि आप हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हालेलुया। प्रेयर टावर के फॉर्म भर के, और प्रेयर टावर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक चालू रहता है। हालेलुया।
आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, हम धन्यवाद देते आज के वचन के द्वारा केवल और केवल महिमा आपको मिले, हम घटते जाए आप बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर आप नियंत्रण है, एक एक बहनों को ब्लेस करती हूँ, एक एक परिवार को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक अंधकार की युक्ति को, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र को मैं नष्ट करती हूँ, हर एक शैतानिक प्लान को मैं नष्ट करती हूँ। आज का वचन इनकी लाइफों में हज़ार गुना फल लाए, इनके अंदर हज़ार गुना फल लाए। कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान वचन को न सुने, डेविल की पावर को मैं तोड़ती हूँ, शैतानिक सामर्थ को तोड़ती हूँ, अंधकार की चीज़ों को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ पिता परमेश्वर। आपने कहा उजाला हो, उजाला होने लगा। आपने कहा पिता परमेश्वर पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी पिता परमेश्वर, जब आपने कहा उज्याला हो। आज आपकी लाइफ में लेट देयर बी लाइट, अंधेरा जाने लगे, लेट देयर बी लाइट होने लगे, अंधकार जाने लगे। आज से ये ज्योति की संतान बनने पाए, आज से ये ज्योति की संतान, ये ज्योति में चलने पाए, चलेंगे हम ज्योति में, यीशु के नाम से ये चलने लगे ज्योति में, ये ज्योति की संतान होने पाए। अंधकार इनकी लाइफ से, अंधकार के लोगों इनकी लाइफ, सांसारिक चीजें इनकी लाइफ से दूर करती हूँ। शैतानिक पावर को, डेविल की पावर को मैं इनकी लाइफ से दूर करती हूँ। शैतानिक शक्ति को मैं इनकी लाइफ से खराब करती हूँ पिता, पर मैं नष्ट करती हूँ। हर एक शैतानिक बातों में गड़बड़ी आने लगे, हर एक शैतानिक बातों में गड़बड़ी आने वाले। स्पिरिचुअल आइज ओपन हो, स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन हो पिता परमेश्वर, मन की आँखें और ज्योतिमय हो। आज ही आपके गहरे प्रकाशन को, गहरे रेवोल्यूशन को आज का वचन आज़ाद करे, आज का वचन फ्री करे। हर एक दर्द भारीपन की स्पिरिट इनके जीवन से दूर हो। हर एक दर्द की सामर्थ्य को तोड़ती हूँ, हर एक भारीपन की सामर्थ्य को तोड़ती हूँ, हर एक कमजोरी की सामर्थ्य को तोड़ती हूँ, हर एक गड़बड़ी को मैं इनके लाइफ से दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। जिनके अकाउंट में फाइनेंस नहीं, फाइनेंस आने लगे, मिरेकल मनी आने लगे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियों कमजोरी को दूर कर, हर एक पेट दर्द भी हील हो जा, कमर दर्द भी हील हो जा पिता, बैक पेन भी हील हो जा पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण, इनके घर में पवित्र आत्मा जी आपका काम कार्य स्टार्ट होने लगे। हर एक विरोधी आत्मा का, हर एक विरोधी आत्मा, हर एक झगड़े की सामर्थ्य को मैं सारे भाई बहनों के जीवन से, हर एक झगड़े की स्पिरिट को सारे भाई बहनों के जीवन से तोड़ती हूँ पिता। आज से आप इनके हाथों के कामों पर आशीष दे, ये पिता परमेश्वर फ्रेश रहे, ब्लेस रहे पिता परमेश्वर, आपके काम के लिए उत्तेजित रहे। आज से वचन की बुक, प्रार्थना की बुक, संगति की बुक और उमड़ने लगे पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा पिता आपकी महिमा मिले पिता परमेश्वर, आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। एक एक व्यक्ति को जिसने शुरू से आखिरी तक देखा है पिता परमेश्वर, आप उसको ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जिसकी जो भी चीज़ खो गई है वो आने लगे, जो भी गोल्ड खो गया वो आगे, जो भी मंगलसूत्र खो गया आने लगे। हर एक बुखार को दूर करती हूँ, हर एक सर्दी खांसी को मैं दूर करती हूँ, हर एक मौसम के प्रभाव को मैं दूर करती हूँ, और सारे भाई बहन को मैं पवित्र आत्मा जी के बी हील बी डिलीवर फ्री आज़ाद हो जाए, छुटकर मैं इनकी लाइफ में छुटकारे की घोषणा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा केवल और केवल महिमा आपको मिले, हम घटते जाए आप बढ़ते जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से मानते हैं। आमेन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको और ब्लेस करे। हालेलुया। जितने लोग हमारे प्रेयर टावर का फॉर्म भरे हुए हैं, कल ट्यूसडे जूम मीटिंग है, आप लोग जरूर आए शाम को 5 बजे से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। यदि आपने शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।